हेलो दोस्तों, तो आज हम करने वाले हैं बैलेंसिंग ऑफ रोटेटिंग मासेस। देखिए, जब भी कोई चीज़ रोटेट करती है ना, तो उसमें बैलेंसिंग होनी बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर बैलेंसिंग सही नहीं है तो भाई वो वाइब्रेट करेगा। सीधी सी बात है, आपने फैन को देखा होगा, नॉर्मल घरों में एग्जांपल है। अगर फैन का एक भी विंग आप इवन उसको थोड़ा मोड़ भी दोगे ना विंग को, तो उसकी शेप चेंज हो जाएगी, उसके थ्रू फ्लो एयर का वो गड़बड़ा जाएगा और तभी आपका फैन जो है मूव करना लग जाएगा, हिलने लग जाएगा। और आप कहोगे यार ये फैन सही हवा नहीं दे रहा और हिल रहा है, इसमें प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम किस चीज़ की है? बैलेंसिंग की है। उन्होंने बैलेंसिंग करके दी होती है, उन्होंने टेस्टिंग की हुई है, बैलेंसिंग की हुई है, मास्क सही तरह से जहां होना चाहिए वहां पे रखा हुआ है मास्क। लेकिन हमने अगर गड़बड़ कर दी तो वो प्रॉब्लम आ सकती है। अब दूसरी केस एग्जांपल किसके क्या है, आपने कार के व्हील की बैलेंसिंग कराई होगी कभी ना कभी। कार का व्हील जो है ना वो अगर हिल रहा है, इस तरह से मूव कर रहा है, ठीक है, आप कहेंगे यार कोई दिक्कत है इसमें व्हील में, तो व्हील की बैलेंसिंग सही नहीं है, ठीक है। तो ये सारा केसेस किसके हैं? रोटेटिंग मासेस में बैलेंसिंग हमने करनी है। और बड़ा ही सिंपल तरीका है इसका। सबसे पहला तरीका क्या है कि एनालिटिकल मेथड है हमारे पास, एनालिटिकल मेथड है। एनालिटिकल मेथड कौन सा होता है? जिसमें हम फॉर्मूले के थ्रू ये वैल्यू निकालते हैं। एनालिटिकल मेथड में फॉर्मूला लगाएंगे। मान लेते हैं कि हमारे पास कोई मास है, यहाँ पे कोई रोटेट कर रहा है, ठीक है, और रोटेशन हो रही है एक फिक्स एक्सिस के अराउंड, और यहां पे एक मास है जो क्या है M1, ठीक है M1, और ये सेंटर से R1 रेडियस पे है, और ये अगर एक्सिस ये मान ले तो इससे θ1 एंगल पे है, समझ रहे, θ1 एंगल पे है। अगर 2 देखें, दूसरा एक और मास है जो कि यहां पे है और अलग रेडियस पे है और उसका मास भी अलग है और रेडियस 2 पे है, वो मान लेते हैं, और तीसरा कोई मास है जो कि यहां पे है और उसका भी M3 है, मास अलग है और R3 उसका रेडियस भी अलग है, और इसके भी एंगल जो है यहां से लेके यहां तक θ2 है और यहां से लेके यहां तक जो रेडियस इसका एंगल है वो θ3 है। तीन एंगल है, तीनों के अलग अलग एंगल है। तो हम करेंगे क्या करेंगे, ये कि मेरे भाई जब भी आप रोटेट करते हो ना किसी चीज को, तो उसमें हमारे पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आती है, वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ही बाहर की ओर धकेलती है उस चीज को। हमारे पास एनालिटिकल मेथड में क्या करना होगा, पहले आपको बता दूं कि हम कंपोनेंट बनाने वाले हैं, और अगर आपको कंपोनेंट बनाने नहीं आते तो पहले वो वाली वीडियो देख लीजिए आप, कंपोनेंट वाली, मैं ऊपर लिंक दे रहा हूं। और कंपोनेंट अगर नहीं आते तो मैकेनिकल आप समझ नहीं सकते, आपको पहले बता दूं। सिविल क्यों मैकेनिकल क्यों आप नहीं समझ सकते इसको, कंपोनेंट अगर नहीं बनाने आते तो कंपोनेंट बनाने आने चाहिए। हम करेंगे क्या, इसका करेंगे क्या, फोर्स देखेंगे जो कि इसको बाहर की ओर खींच रही है, उसके कंपोनेंट बनाएंगे, फोर्स देखेंगे इसको बाहर जो खींच रही है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और उसके कंपोनेंट बनाएंगे, इसका बनाएंगे, ठीक है, फोर्स और कंपोनेंट बनाएंगे, और उनकी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट को जोड़ देंगे कि दोनों मिलके, ठीक है, हॉरिजॉन्टल सारे इसके हॉरिजॉन्टल 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 ये मिलके किस तरफ खींच रहे हैं चीज को, ठीक है, कितनी फोर्स से खींच रहे हैं, इसका वर्टिकल 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 किस तरह से खींच रहे हैं, बात समझ रहे हैं, उनको जोड़ेंगे। ये हमारा छोटा सा काम है और उसका जो रिजल्टेंट आएगा वही रिजल्टेंट हमारा होगा। मैं बताऊं कि एक तरह से ये है कि ये इधर से खींच रहा है किसी चीज को, हम के लड़ाई हो जाती ना कई बार, ये चेयर के लिए बड़ी लड़ाई होती है, ठीक है, खास करके हॉस्टल का जो रूम नहीं होता कॉमन रूम, वहां पे चेयर के लिए बड़ी लड़ाई होती है, एक चेयर पड़ी है उधर से तीन आ रहे, क्रिकेट का मैच चल रहा है, तीनों ने हाथ डाल लिया, वो कहता मेरी है, वो कहता मेरी चेयर है, वो कहता मेरी चेयर है, तो तीनों खींच रहे उस चेयर को, लड़ाई हो रही है, ठीक है। तो रिजल्टेंट देखना पड़ेगा किस तरफ जा रहा है, ठीक है। उसी तरह से हमारे पास क्या होगा कि हम इसके बाहर की ओर जो फोर्स जा रहा है उसको देखेंगे, बाहर की ओर फोर्स जा रहा है उसको देखेंगे, बाहर की ओर फोर्स जा रहा है उसको देखेंगे, और बाहर की ओर जो फोर्स जाएगा वो आपको बता दूं क्या फॉर्मूला होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का, MR ओमेगा स्क्वायर, ये याद कर लीजिए, ठीक है। एक होता ना आपने प्लस वन में पढ़ा होगा या पहले फिजिक्स जो डिप्लोमा कर रहे हैं वो फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, उसमें MV² / R, उसी का ये फॉर्मूला है, ये लीनियर जो आपके पास मोशन होता है उसके लिए, ये एंगुलर मोशन के लिए, ये आपने याद रखना है,
ज्यादा अगर आपने बोझ नहीं लेना, सिर्फ इसको याद रख लो एम आर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो मेरे पास क्या होगा मेरे भाई, इसके कंपोनेंट बनेंगे, इसके भी कंपोनेंट बनेंगे, इसके भी कंपोनेंट बनेंगे, तो हर किसी का कंपोनेंट बनेगा, कंपोनेंट बनेंगे हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल वर्टिकल वर्टिकल, तीनों के वर्टिकल तीनों के हॉरिजॉन्टल। और इसमें कंपोनेंट में जल्दी से बता दूंगा आपको, एक का बता दूंगा, ठीक है। तो मेरे पास इसको मैं बना देता हूं, मेरे पास ये है एम आर ओमेगा स्क्वायर, इसका एम वन है एम वन, आर वन है आर वन, हो गया ओमेगा स्क्वायर। और मेरे पास इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, एक इस साइड एक इस साइड, थीटा, ये एंगल अगर है थीटा वन है तो एंगल के सामने वाला क्या होता है परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर क्या होगा साइन थीटा, एम वन आर वन ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा, यहां पे क्या आएगा एम वन आर वन ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा वन, समझ रहे, ठीक है। तो ये कंपोनेंट का ही खेल है और कुछ नहीं है इसमें मेरे भाई, हर किसी में ना ओमेगा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉमन आना है, बाद में कटना है, इसलिए मैं पहले ही कंफ्यूजन से दूर कर रहा हूं इसको, बाद में कटना है इसने, ठीक है। तो इसको कंफ्यूजन से बाहर कर देते, ओमेगा स्क्वायर यहां से जा चुका है तो हमने बार बार ओमेगा स्क्वायर को नहीं लेना, तो जब भी हम फॉर्मूला लगाएंगे तो एम आर बस, ठीक है, ओमेगा स्क्वायर बाद में कटना होता है इसलिए। अब मेरे पास मेरे भाई इसके कंपोनेंट इस तरह आएंगे, इसी तरह इसके आएंगे साइन और कॉस, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल वाले कॉस आएंगे, वर्टिकल वाले साइन आएंगे, ठीक है। तो मैं इस चीज का सम अप किस तरह से करता हूं देखते हैं। अब हमारे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक साइड जोड़ने हैं और वर्टिकल कंपोनेंट एक साइड जोड़ देने हैं, बस इतना सा काम है। और उसका हमने क्या करना है, रिजल्टेंट ले लेना है, रिजल्टेंट लेना भी आपको आना चाहिए, ठीक है। वो आप वीडियो देख सकते हैं अगर आपने देखनी है। तो मेरे पास समीशन एच हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सारे जोड़ देंगे, कैसे जोड़ेंगे एम वन आर वन हॉरिजॉन्टल में कॉस था तो कॉस थीटा वन, ये जुड़ गया। इसी तरह एम टू आर टू कॉस थीटा टू प्लस एम थ्री आर थ्री कॉस थीटा थ्री जुड़ जाएंगे, सबकी वैल्यू दी होती है, हमने पुट करनी है और आंसर लेना बस। समीशन वी एम वन आर वन साइन थीटा वन एम टू आर टू साइन थीटा टू प्लस एम थ्री आर थ्री साइन थीटा थ्री जुड़ जाएंगे। अब ये होगा क्या, हॉरिजॉन्टल वाले मिलके एक बड़ा स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट बनाएंगे, वर्टिकल वाले मिलके एक स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट बनाएंगे। कईयों को डाउट होगा सर ये तो ऊपर जा रहा है ये नीचे जा रहा है, आपस में कैसे प्लस होंगे, ये क्या होगा। भाई जब वैल्यू डालोगे ना थीटा की, आपको बताऊं तो अपने आप प्लस माइनस और साइन अपने आप बदलने हैं, ठीक है। साइन जैसे है 180 से ज्यादा आ जाएगा तो वहां पे तो अपने आप माइनस वैल्यू आ जाएगी उसकी, तो मैंने ही नहीं करना वो, अपने आप जो वैल्यू डालोगे ना अपने आप माइनस, यहाँ पे अगर थीटा थ्री ज्यादा आ गया 180 से और साइन है तो यहाँ माइनस, यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो माइनस में आएगी, इसको माइनस कर देगी, अपने आप कर देना उसने जो अगर ऊपर जा रहा है और नीचे जा रहा है, ठीक है। तो आपस में माइनस होके देखेंगे फाइनल रिजल्टेंट कौन सा इसका आएगा, ठीक है। अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं कि ऊपर जाने वाला 15 है ये वाला मान लो, और ये भी ऊपर जाने वाला 15 है, 15 और 15 30 हो गए, मिलके ये लाइन बन जाएगी 30 की, 15 और 15 30 में बन जाएंगे। लेकिन नीचे जाने वाला मान लो 12 है तो 30 में से 12 माइनस हो जाएंगे, 30 में से 12 माइनस हो जाएंगे, ये 30 था ना टोटल 30 था तो 12 माइनस हो जाएंगे, 12 माइनस का मतलब क्या है कि 18 पे रुक जाएगा यहाँ आके ये, तो ये लाइन जो फाइनल बनेगी ये बनेगी इतनी, वो हमारी टेंशन नहीं है, वो अपने आप इसने करना है, ठीक है। अब हमारे पास क्या हो गया कि स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट ये बन गया, स्ट्रॉन्ग बन गया ये। अब दोनों का रिजल्टेंट, रिजल्टेंट किस तरह से निकलेगा, रिजल्टेंट के लिए आपको फॉर्मूला अंडर रूट समीशन एच का स्क्वायर समीशन वी का स्क्वायर ये कर देंगे, दोनों जोड़ देंगे। तो जो वैल्यू इनको प्लस करने के बाद आएगी वो यहां रखेंगे, जो वैल्यू इनको प्लस करने के बाद आएगी यहां रखेंगे और उसका अंडर रूट कर देंगे, ठीक है। वो हमारे पास क्या आएगा, रिजल्टेंट, रिजल्टेंट आएगा। अगर वैल्यू मान ले तो मैं ऐसे कुछ भी बोल दूं कि इनको मिला के 500 न्यूटन आ रहा है,
ये इतनी फोर्स आ रही है, मिला के रिजल्टेंट निकल रहा है, इस साइड जा रहा है, इधर है रिजल्टेंट, ठीक है। मतलब एग्जैक्ट मैं बोलूं कि इस साइड जा रहा है तो अभी एंगल फाइंड आउट करना रहेगा हमारा, वो कैसे फाइंड आउट करेंगे उसके लिए भी देख लो। देखो ये क्या बन रहा है, एक तरह से ट्रायंगल बन रहा है, ये किस तरह, ये इधर ले जाऊं अगर तो मैं इसको, इसकी जो परछाई है वो यहां ले जाता हूं, इसकी परछाई यहां लेके जाएंगे तो ये क्या बन गया, ट्रायंगल बन गया ना। ये अगर एंगल थीटा है, ठीक है, ये एंगल थीटा है, या फाई लिखते हैं कई बुक तो फाई लिख सकते हो, अगर आपने फाई नहीं लिखना, थीटा लिखना, बीटा लिखना, जो मर्जी लिख लो, थीटा है तो हमारे पास थीटा के सामने परपेंडिकुलर और ये बेस, तो टेंजेंट थीटा क्या बन जाएगा, टेंजेंट थीटा क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब परपेंडिकुलर है क्या, ये क्या है, ये है समीशन वी और ये क्या है समीशन एच, तो समीशन वी ऊपर लिख देंगे और समीशन एच नीचे लिख देंगे, जो वैल्यू समीशन वी की यहां से आएगी यहां लिख देंगे, जो वैल्यू समीशन एच की आएगी यहां लिख देंगे, और थीटा जब निकालेंगे तो थीटा क्या आ जाएगा, थीटा आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स कर देंगे, टेंजेंट इनवर्स समीशन वी अपॉन समीशन एच, तो वो जो वैल्यू आएगी मेरे ब्रदर वो एंगल निकल जाएगा कि ये रिजल्टेंट किस एंगल पे एक्ट कर रहा है, ठीक है, कि तीनों खींच रहे हैं चेयर को लेकिन ज्यादा फाइनली वैल्यू किस तरफ जाएगी, वो चेयर किस तरफ जाएगी। अगर मान लो इन्होंने इतना जोड़ लगाया, इसने लगाया, इसने लगाया, लेकिन फाइनल जो जा रही है चेयर इस साइड जा रही है, रिजल्टेंट इस तरफ जा रहा है और इस एंगल पे एग्जैक्ट एंगल भी पता लग जाएगा किस एंगल पे है, ये रजी एंगल, तो हम क्या करेंगे, ये फाइनल जो वैल्यू रिजल्टेंट आएगा वो मान लो आया 500 न्यूटन का, तो 500 न्यूटन की फोर्स अगर मैं इधर लगा दूं तो वो क्या बन जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, यही होता है ना, बैलेंसिंग क्या होती है, यही तो होती है, उसके ऑपोजिट फोर्स लगा देंगे। अगर मेरा एंगल थीटा यहां से ये यहां तक मान लो 60 डिग्री आ गया, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा रब करके दोबारा समझाता हूं, ठीक ठीक, ये देखो मैं क्या करता हूं कि मेरे तीन फोर्सेस लग रहे थे और तीनों फोर्स में हमारे पास जो रिजल्टेंट आया, मेरी जो चेयर थी, मेरी जो चीज थी, वो इधर खींची जा रही थी, फाइनली इधर खींची जा रही थी, या हमारा जो टायर है उसका रिजल्टेंट निकला इस तरफ, वो मूव कर रहा है इस तरफ, तो मैं क्या करूंगा, ये 60 डिग्री पे था तो 180 डिग्री और जोड़ दूंगा और रिजल्टेंट बना दूंगा, सॉरी इसका बैलेंसिंग फोर्स बना दूंगा, इसको कहेंगे बैलेंसिंग फोर्स, बैलेंसिंग फोर्स। अब मुझे पता क्या पता लग गया मेरे भाई, ये पता लग गया कि बैलेंसिंग फोर्स 500 न्यूटन का होना चाहिए अगर रिजल्टेंट 500 न्यूटन आया, और कहां पे होना चाहिए, 60 और 180, 240 डिग्री पे होना चाहिए, यहां से 240 डिग्री पे दूर जाके और यहां पे मैं क्या लगा दूंगा, 500 न्यूटन का फोर्स। अब एक चीज रहेगी, एक चीज क्या रहेगी इसमें, कि मेरे पास ये क्या आया था, फाइनल वैल्यू रिजल्टेंट क्या आया था, 500 न्यूटन। एक चीज पता क्या रहेगी, देखो ये जो रिजल्टेंट निकला था वो निकला था एम और आर की गुणा, अगर मैं कैपिटल में लिखूं क्योंकि वो सारा कुछ जोड़ने के बाद एम छोटे थे सारे, वो कैपिटल लिख दूं, एम और आर की गुणा, ये था रिजल्टेंट, इसको पूरा लिख दूं ना, रिजल्टेंट आर था रिजल्टेंट, और ये आर क्या है, रेडियस, ये निकला मेरे भाई 500 न्यूटन। अगर मेरे पास ये पता हो कि रेडियस कितनी दूरी पे लगाना है तो मुझे मास पता लग जाएगा कि कितना मास लगाना है, ठीक है, वो मास पता लग जाएगा तो मास कैसे निकलेगा, 500 न्यूटन को डिवाइड कर देंगे आर से, तो मेरे पास मास निकल गए आएगा कितना मास लगाना है, और ये सारा काम ना, ये जो हम कर रहे हैं इतना, ये कंप्यूटराइज हो चुका है, आपके पास गाड़ी होगी, गाड़ी की बैलेंसिंग जरूर देखना एक बार होती हुई, ठीक है, वो क्या करेंगे, कंप्यूटर को उसके साथ लगाता है और वो मूव करता है टायर को, जब मूव करता है तो अपने आप वो बताता है इतनी मास, इतना मास है, ग्रामों में लगाते हैं, इतना मास लगा दो, यहाँ पे लगा दो, उसके बाद व्हील बैलेंसिंग हो जाएगी, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास इस तरह से एनालिटिकल मेथड होता है, ठीक है, अगली वीडियो में मैं ग्राफिकल मेथड कराऊंगा। ये आपको समझ आया या नहीं आया आप जरूर कमेंट में बताइए। थैंक यू सो मच।